लगातार 4.5 साल तक राजस्थान में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का चलता रहा, एक कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था और दूसरा कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं था, और उनके इस किस्सा कुर्सी के की द्वंद्व में राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों ने पिछले 4.5 साल तक एक एक दिन खून के घूंट पी करके आंसुओं को बहा करके बिताए। सरकार की प्राथमिकता, जैसे मैंने कहा, केवल कुर्सी बचाने की होने के कारण से राजस्थान हर मोर्चे पर विफल हुआ। आर्थिक दृष्टि से राजस्थान बेहाल हुआ, योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन, जल जीवन मिशन से लेकर के अन्य योजनाओं तक सभी के इंप्लीमेंटेशन में राजस्थान देश के सबसे नीचे की पंक्ति वाले प्रदेशों में जाकर के शुमार हुआ। शिक्षा के दृष्टिकोण से केवल थोती घोषणाएं और उनके नीचे धरातल पर तैयारी न होने के चलते हुए राजस्थान बुरी तरह से पिछड़ा। भ्रष्टाचार में राजस्थान एक नंबर पर पहुंचा। अपराधों के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो शांत प्रदेश, सौम्य प्रदेश, भाईचारे का प्रदेश राजस्थान पिछले 4.5 साल में 1,010,000 से ज्यादा आपराधिक केसेस रजिस्टर हुए हों ऐसा प्रदेश बना। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार या महिलाओं के प्रति अपराध इस दृष्टिकोण से एक नंबर पर पहली पायदान पर आकर के खड़ा हुआ। 2,00,000 से ज्यादा मुकदमे पिछले दिनों में राजस्थान में पिछले इन 4.5 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में दर्ज हुए। यहां तक नहीं, गैंगरेप रेप के मामलों में, अबोध बालिकाओं और बच्चों के प्रति इस तरह के हिंसात्मक मोलेस्टेशन के केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान एक नंबर पर हुआ। दलितों और के ऊपर होने वाले अत्याचारों और केसेस के दृष्टिकोण से भी राजस्थान पहली पायदान पर रहा। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ाई, हर मोर्चे पर राजस्थान विफल हुआ है। उसके साथ साथ में राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, वस्तु स्थिति ठीक इसके उलट हुई। आज हालात इस तरह से हैं कि जेलों से बंदूकों की नोक पर अपराधी छुड़ाए जा रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में अपराधी गैंग वॉर करके एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर दूसरे दिन कहीं न कहीं सरेआम गोलियां चला करके हत्याएं करने की वारदातें हो रही है। हर दूसरे दिन कहीं न कहीं किसी न किसी व्यापारी को, व्यवसायी को, कामगार को धमकी देकर के एक्सटॉर्शन करने की घटनाएं हो रही है, और इन सब के चलते हुए धरातल पर पुलिस का ध्येय वाक्य बदल करके हालात ये बयान करते हैं कि राजस्थान के आम जन में डर है और अपराधियों के हौसले चरम पर हैं।